पाकिस्तान में फ्रांस के राजदूत को देश निकाला दिए जाने के मुद्दे पर कट्टरपंथी पार्टियों ने इमरान खान सरकार को घेर लिया है। सोमवार को लाहौर की सड़कों पर चरमपंथी इस्लामी राजनीतिक दल तहरीक ए लबैक के हजारों कार्यकर्ताओं ने फ्रांस के साथ संबंध तोड़ जाने की मांग को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प में दो लोगों की मौत भी हो गई। पुलिस ने दिखावे के लिए इस चरमपंथी दल के सरगना साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन पाकिस्तानी सेना के जवानों के एक वीडियो ने इसके मिली भगत की पोल खोल दी। पाकिस्तानी सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के जवान तहरीक ए लबैक के कार्यकर्ताओं के बीच नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुली जिप्सी पर लाइट मशीन गन के साथ खड़ा जवान अल जिहाद का नारा लगा रहा है, जबकि नीचे खड़े हजारों कट्टरपंथियों की भीड़ पाक फौज जिंदाबाद की नारेबाजी करती हुई सुनाई दे रही है। वीडियो में कुछ लोग उस जवान का हाथ चूमते भी नजर आ रहे हैं। वहीं लाहौर पुलिस के प्रमुख गुलाम मोहम्मद डोगर ने बताया कि रिजवी को कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए गिरफ्तार किया गया है। रिजवी ने कहा कि सरकार ने प्रतिबद्धता जताई थी कि फ्रांस में पैगंबर के चित्र प्रकाशित करने के मुद्दे पर फ्रांस के राजदूत को 20 अप्रैल से पहले देश के बाहर निकाल दिया जाएगा। वहीं सरकार का कहना है कि उसने केवल मुद्दे पर संसद में चर्चा करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की थी। आपको बता दें कि खादिम हुसैन रिजवी के आकस्मिक निधन के बाद साद रिजवी तहरीक ए लबैक पाकिस्तान पार्टी का नेता बन गया था। रिजवी के समर्थक देश के इश्निंदा कानून को रद्द नहीं करने के लिए सरकार पर दबाव बनाते रहे। पार्टी चाहती है कि सरकार फ्रांस के सामान को बहिष्कार करे और फरवरी में रिजवी की पार्टी के साथ हस्ताक्षर कारनामे के तहत फ्रांस के राजदूत को देश से बाहर निकाले। वहीं कट्टरपंथियों की धमकी से डरी इमरान खान सरकार ने देश की नेशनल असेंबली में फ्रांस के राजदूत के देश निकाला करने को लेकर एक प्रस्ताव भी पेश किया है। इस प्रस्ताव को लाने का फैसला प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में की गई बैठक के दौरान लिया गया, जिसमें पाकिस्तान के कानून मंत्री फरोज नसीम, आंतरिक मंत्री शेख रशीद, धार्मिक मामलों के मंत्री नूरुल हक कादरी और भी कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।